पर Xiaomi ने 2017 में लॉन्च कर दिया था Mi A1, पहला डुअल कैमरा के साथ आया था और ये चाइना में Mi 5X के नाम से लॉन्च हुआ था। समय ठीक था उस समय, क्योंकि ये फोन बहुत ही अच्छा फोन है, मैं इसको यूज करता हूं, परफॉर्मेंस बढ़िया है, कैमरा पूछो मत। और इस बार Xiaomi कुछ लेट कर दिया। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं, आना चाहिए था 2-3 महीने पहले, पर आया 2-3 महीने बाद और Mi A1 का सक्सेसर Mi A2 भारत में लॉन्च हो गया है। और Mi A1 और Mi A2 का कैमरा कैसा होगा, Mi A2 क्या Mi A1 को बीट कर सकेगा? खैर, ये वीडियो आपको बहुत जल्द मिल जाएगा, Mi A2 के साथ Mi A1 का कैमरा कंपैरिजन। फिर आज इस वीडियो में आपको Mi A2 का एक डिटेल कैमरा रिव्यू दूंगा और आप तो जानते ही हो मेरा अनबायस्ड ओपिनियन भी होगा, क्या आपको इस फोन में 17,000 में कैमरा ठीक ठाक मिलता है क्या नहीं। ऑन पेपर तो ये गजब का है, पर प्रैक्टिकल कुछ और ही होता है, पर इसके साथ क्या ये सही होगा, देखते रहिए वीडियो। बाय द वे, मेरा नाम है सुमन और आप देख रहे हो गैजेट्स वाला, तो चलून कोरोना देरी शुरू करी तातारी। रुके भाई, इस वीडियो में मेरा एक निवेदन है आपसे, इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे लाइक तो जरूर कीजिएगा, पर इस वीडियो में टारगेट रखता हूं 1000 लाइक का। भाई मेहनत करता हूं आपके लिए, मैं जानता हूं आपका सपोर्ट मुझे जरूर मिलेगा। चलिए यहां पे जो दो कैमरा उस पीछे में दिया गया है Mi A2 में, वो काफी हद तक Redmi Note 5 Pro की तरह ही आपको मिलेगा। ये जो आपको बम्प देखने को मिल रहा है Redmi Note 5 Pro में, Mi A2 में भी आपको सेम देखने को मिलेगा, पर Mi A1 में ये नहीं है। पीछे में जो प्राइमरी कैमरा दिया गया है वो 12 मेगापिक्सल का, जिसका अपर्चर है 1.75, और जो दूसरा कैमरा दिया गया है यानी डेप्थ सेंसर के लिए 20 मेगापिक्सल का, इसका भी अपर्चर है 1.75। आपको ये कह दे, ये जो 20 मेगापिक्सल का सेकेंडरी कैमरा है, इससे आप लो लाइट में पोर्ट्रेट मोड और नॉर्मल पिक्चर काफी अच्छे तरीके से ले सकते हो। जो यहाँ पे आपको 12 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है प्राइमरी, इसमें यूज किया गया है सोनी IMX 486 सेंसर, और जो दूसरा कैमरा है 20 मेगापिक्सल का, इसमें यूज किया गया है सोनी IMX 376 सेंसर। और जो सामने आपको मिलता है 20 मेगापिक्सल का कैमरा, यहाँ पे आपको F2.2 का अपर्चर भी मिलेगा और इसमें भी यूज किया गया है सोनी IMX 376 सेंसर। आपको यहां पे 4K मिलता है, EIS मिलता है। चलिए देखते हैं आप इसका कुछ पिक्चर सैंपल और वीडियो सैंपल। मैंने हर एक कंडीशंस पे वीडियो लिया है, हर एक कंडीशंस पे मैंने पिक्चर लिया है, तो देखते रहिए ये कैमरा डिटेल रिव्यू। ये पिक्चर मैंने लिया है दूर से आउटडोर में और ये रियर कैमरा से लिया गया है नॉर्मल मोड पे। आप देख सकते हो कलर्स कितना पंची हैं और डिटेल्स बढ़िया हैं और क्रिस्पनेस भी बहुत ही अच्छा है, और जो बैकग्राउंड में आपको डायनामिक रेंज देखने को मिल रहा है वो भी बढ़िया है, क्योंकि देखिए स्काई का कलर एकदम नेचुरल आपको देखने को मिल रहा है, ब्लू नावे नहीं हुआ है। नेक्स्ट जो पिक्चर लिया गया है वो भी बाइक थोड़ा सा दूर से लिया गया है और ये एक कैनन का पिक्चर है। यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लैक ठीक ठाक है, उतना अच्छा भी नहीं आया है, पर आपको नेचुरल कलर मिलता है। पर पीछे में अगर आप बैकग्राउंड में देख सकते हो ग्रीन बहुत ही ओवर सैचुरेटेड आपको देखने को मिल रहा है। जो नेक्स्ट पिक्चर मैंने लिया है वो थोड़ा सा दूर से लिया है और आप यहाँ पे देख सकते हो वही ग्रीन्स बहुत ज्यादा आपको ओवर सैचुरेटेड दे रहा है, पर बहुत ही पंची है। और यहाँ पे जो मेन ऑब्जेक्ट है ये भी बहुत अच्छे तरीके से आपको देखने को मिल रहा है और जो बैकग्राउंड में स्काई का कलर है वो भी बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे विजुअल है, तो डायनेमिक रेंज से मुझे कोई भी शिकायत नहीं है और क्रिस्पनेस क्लैरिटी बहुत ही अच्छा है, शार्पनेस भी बहुत ही अच्छा है। अगर मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ यहाँ पे तो भी आप देख सकते हो भाई क्लैरिटी में कोई भी लॉस नहीं हो रहा है। नेक्स्ट जो पिक्चर लिया गया है ये कुछ कलर्स का लिया गया है, आप देख सकते हो ग्रीन बहुत अच्छा है पर थोड़ा सा ओवर सैचुरेटेड है, पर यहाँ पे जो पिंक और व्हाइट पिंक रेड जो है वो आपको ग्रीन के कंपैरिजन में थोड़ा सा फीका लग सकता है, पर कलर्स बहुत ही अच्छा है। और आपको ये भी कह दे ये AI बेस्ड कैमरा है, इसलिए आपको थोड़ा सा ओवर सैचुरेटेड कलर देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट जो पिक्चर लिया गया है ये नॉर्मल मोड पे लिया गया है, आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट कितना क्लियर है और यहाँ पे आप बैकग्राउंड में भी देख सकते हो पूरा ही क्लियर आपको देखने को मिल रहा है।
नेक्सो पिक्चर लिया गया है, ये पोर्ट्रेट मोड को ऑन करके लिया गया है और आप देख सकते हो पोर्ट्रेट मोड यानी ब्लर इफेक्ट बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे काम किया है। और अगर मैं जूम करता हूँ तो भी आप देख सकते हो आपको बारीकी से बहुत अच्छा एजेस मिलता है, यहाँ पे ब्लोर आवे नहीं हुआ है, तो यही टेक्नोलॉजी यहाँ पे बहुत अच्छे से काम कर रहा है। नेक्सो पिक्चर लिया गया है, ये नॉर्मल मोड पे लिया गया है, देख सकते हो मेरा जो शर्ट का कलर है वो सही है और हाँ थोड़ा सा यहाँ पे पंची कलर आपको देखने को मिलेगा। तो यही कह रहा हूँ ग्रीन्स आपको बहुत अच्छे तरीके से देखने को मिलता है, ओवर सैचुरेटेड येलो जो आप यहाँ पे देख सकते हो वो भी आपको नेचुरल देखने को मिलता है और जो पीछे में स्काई का कलर है वो भी बढ़िया है। नेक्सो पिक्चर लिया गया है, ये पोर्ट्रेट मोड को ऑन करके लिया गया है और यहाँ पे भी आप देख सकते हो कितने अच्छे तरीके से ये यहाँ पे काम किया है, कलर सबको बहुत ही अच्छा लग रहा है और पोर्ट्रेट मोड पे आपको शर्ट का कलर एकदम नेचुरल कलर देखने को मिल रहा है। और अगर मैं इसको जूम करता हूँ तो भी आप देख सकते हो एजेस बहुत ही बढ़िया है, कहीं पे भी आपको आर्टिफिशियल नहीं देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट पिक्चर लिया गया है, ये भी पोर्ट्रेट मोड पे लिया गया है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो सनलाइट यहाँ पे मेरे ऊपर आया है ये भी आपको बारीकी से देखने को मिलता है और यहाँ पे जो शर्ट का कलर है वो भी नॉर्मल है और ब्लर इफेक्ट भी आपको गजब का देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट पिक्चर में मैं आपको कुछ कलर सैंपल दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो हर एक कलर यहाँ पे अच्छे तरीके से नेचुरल कलर दे रहा है, पर वही ग्रीन कलर आपको थोड़ा सा ओवर सैचुरेटेड देखने को मिल रहा है, पर येलो और ऑरेंज ये काफी अच्छे तरीके से काम कर रहा है। नेक्स्ट पिक्चर ये एक फूल का है और इस फूल का कलर आपको नेचुरल मिलेगा, ओवर सैचुरेटेड नहीं मिलेगा, पर आपको ये भी कह दे ये एआई टेक्नोलॉजी पे आधारित है ये कैमरा, इसके लिए आपको थोड़ा सा पंची कलर देखने को मिलता है। पिक्चर को देखिए थोड़ा डिस्टेंस से लिया गया है और मैं अगर जूम करता हूं तो देखिए आपको टेक्स्ट एकदम नजर में आ जाएगा, तो यहाँ पे जो बिस्वा बांग्ला लिखा है ये भी आपको बाय क्लियर देखने को मिलेगा और ये सही में दूर से लिया गया है, तो यहाँ पे आपको हर एक ऑब्जेक्ट आपको बारीकी से देखने को मिलेगा और वो जो स्काई है इसका कलर भी आपको नेचुरल मिलता है। नेक्स्ट जो पिक्चर है, ये जो पिक्चर लिया गया है ये थोड़ा सा क्लोज लिया गया है, इसमें भी आप देख सकते हो बाय ऑब्जेक्ट्स एकदम क्लियर है और स्काई भी बहुत अच्छे तरीके से आपको देखने को मिल रहा है और वहां पे शैडोज आप देखिए शैडोज भी आपको बारीकी से देखने को मिल रहा है और ग्रीन कलर भी बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे काम किया है। नेक्स्ट जो पिक्चर ये पोर्ट्रेट मोड को ऑन करके लिया गया है, मैं अगर जूम करता हूं तो देखिए पीछे का जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो ब्लर हो चुका है और ये जो ब्लैक कलर आप देख सकते हो ये एकदम नेचुरल कलर आपको देखने को मिलता है और व्हाइट एकदम नेचुरल है। अब कुछ पिक्चर्स आपके साथ शेयर करता हूं, देखते रहिए। कुछ एचडीआर मोड को ऑन करके लिया गया है, क्लोज लिया गया है, ये जो पिक्चर लिया गया है ये फ्रंट कैमरा से लिया गया है पोर्ट्रेट मोड को ऑन करके, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कितना अच्छे तरीके से यहाँ पे काम किया गया है। इस पिक्चर को देखिए, यहाँ पे आपको जो ग्रे कलर और येलो कलर है वो आपको नेचुरल देखने को मिलता है। ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है मी A2 के पीछे के कैमरा से हो रहा है, जहाँ पे आपको 12 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है और दूसरा 20 मेगापिक्सल का। आपको यहाँ पे 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी मिल जाएगा, EIS भी मिल जाएगा और मैं अभी आउटडोर में हूँ और वॉक कर रहा हूँ। चलिए देख लेते हैं फोकस को ये कितना जल्दी लॉक करता है। और ये जो साउंड क्वालिटी रिकॉर्ड हो रहा है ये भी इसके इंटरनल माइक्रोफोन से हो रहा है। ये वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है मी A2 की फ्रंट कैमरा से, जहां पे आपको 20 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। मैं आउटडोर में हूं, मैं वॉक कर रहा हूं और आप यहां पे देख सकते हो कैसे एक्सपोजर लेवल आपको मिलता है और यहां पे कलर्स बहुत ही पंची है क्योंकि आपको यहां पे AI बेस्ड टेक्नोलॉजी मिलता है। ये पिक्चर लिया गया है नॉर्मल मोड पे फ्रंट कैमरा से एकदम लो लाइट पे फ्लैश को ऑफ करके, यहाँ पे भी आप देख सकते हो शर्ट का जो कलर है वो ओवर सैचुरेटेड है पर क्लैरिटी आपको बहुत ही अच्छा मिलता है। पिक्चर लिया गया है फ्रंट कैमरा से पोर्ट्रेट मोड को ऑन करके लो लाइट में फ्लैश को ऑफ करके, यहाँ पे भी आप देख सकते हो क्लैरिटी बहुत अच्छा आया है। ये पिक्चर लिया गया है फ्लैश को ऑन करके फ्रंट कैमरा से और पोर्ट्रेट मोड पे, यह भी आप देख सकते हो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे काम किया है, लो लाइट में बहुत ही अच्छा है इसका फ्रंट कैमरा। पिक्चर लिया गया है आर्टिफिशियल लाइट पे और फ्लैश को ऑफ करके, यहाँ पे भी आपको येलो जो कलर है वो ओवर सैचुरेटेड लगता है पर ब्लैक कलर आपको नॉर्मल मिलता है और ऑरेंज कलर भी आपको बाय नेचुरल मिलता है, तो ये भी अच्छे क्लैरिटी के साथ आया है।
नेक्स्ट पिक्चर फ्लैश को ऑन करके रियर कैमरा से लिया गया है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो येलो कलर बहुत ओवर सैचुरेटेड है, पर ब्लैक और पिंक कलर बहुत अच्छे से काम कर रहा है। पिक्चर लिया गया है रियर कैमरा से फ्लैश लाइट को ऑन करके लो लाइट में, ये भी आपको अच्छा क्लैरिटी दे रहा है, पर रेड कलर थोड़ा सा यहाँ पे ओवर सैचुरेटेड है। एट लास्ट मेरा ओपिनियन, मेरा अनबायस्ड ओपिनियन, कोई कहता है भाई मी A1 अच्छा है, कोई कहता है मी A2 अच्छा है, पर सुमन क्या कहता है, सुमन का दिल क्या कहता है? भाई सुमन का दिल तो यही कहता है मी A1 का पोर्ट्रेट मोड गजब का है, कोई भी ऐसा फोन नहीं बनेगा या कोई भी फोन ऐसा नहीं है जो मी A2 के पोर्ट्रेट मोड को बीट कर पाए, क्योंकि आप भी जानते हो यहाँ पे टेलीफोटो लेंस दिया गया है, 2x ऑप्टिकल जूम है और ये गजब का लेता है। पर इसका मतलब आप ये ना समझे कि मी A2 का कैमरा अच्छा नहीं है, भाई मी A2 का कैमरा भी गजब का है, भाई स्पेशली पोर्ट्रेट मोड मुझे बहुत ही अच्छा लगा, पर कंपेयर टू मी A1 उतना भी अच्छा नहीं लगा, आप तो भाई पिक्चर में देख चुके हो। और हाँ, मी A2 में आपको AI बेस्ड टेक्नोलॉजी मिलता है, वो आपको मी A1 में कहाँ मिलता है, और मी A2 में जो आपको टेलीफोटो लेंस के साथ अच्छा पोर्ट्रेट मोड मिलता है वो आपको मी A2 में कहाँ मिलता है? नॉर्मल मोड पे मी A2 से अच्छा मी A1 नहीं है, नॉर्मल मोड पे मी A2 गजब का है, कलर्स पंची है, डिटेल्स ज्यादा है और भाई आपको ओवर सैचुरेटेड कलर नहीं देखने को मिलता है। अभी ये इसका दूसरा पहलू, मी A1 में नॉर्मल मोड पे ठीक ठाक है पर आपको पोर्ट्रेट मोड ज्यादा पसंद आएगा मी A1 में। सेल्फी कैमरा भाई पूछो मत, क्योंकि आप भी जानते हो 20 और 5 कहां भाई ये, कहां भाई ये, तो आपको सेल्फी कैमरा में मी A2 अच्छा लगेगा। तो अब मेरा कंक्लूजन, आपको कौन सा फोन लेना चाहिए, आज के हिसाब से मी A2 के साथ जाइए, क्योंकि इसमें टेलीफोटो लेंस अच्छे से काम करता है, पर इसमें बहुत ज्यादा चीजें ऐसा है जो आपको मी A1 में नहीं मिलेगा। तो खैर ये तो ओल्ड हो गया है, पर आप मी A2 के साथ जा सकते हो अगर आपका प्रायोरिटी है कैमरा। पर आपको ये भी आगाह कर दे, मी A2 में बहुत ज्यादा कॉन्स भी है, ये कैमरा से रिलेटेड नहीं, ये और कुछ चीजों में, इसका वीडियो जरूर आ जाएगा भाई। आपको ये कह दे, कैमरा अगर आपका प्रायोरिटी है जा सकते हो मी A2 के साथ। आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया है, अगर ये सच है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को और नोटिफिकेशन बिल्कुल दबाइएगा, क्योंकि इससे आपको हर एक वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।